नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलई खोल रहे हैं, मगर उनके पहले आयकर विभाग पहुंच गई छापेमारी करने। आयकर विभाग ने शिवसेना नेता और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के करीबी राहुल कनाल के घर पर देर तक छापेमारी की कार्रवाई की, तो दूसरी तरफ ठाकरे सरकार भाजपा नेता प्रवीण दरेकर के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है। मामला मुंबई बैंक से जुड़ा है। वहीं हिंगोली जिले के बसमत तहसील के पिंपला चौरे ग्राम में एक व्यक्ति ने अपने पत्नी की हत्या कर दी। इसी बीच बीएमसी की स्थायी समिति ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन मुंबई के विकास के लिए आधे घंटे में करीब 5,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को पास किया है। इसे लेकर विपक्ष बिफरा हुआ है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी के बीच घमासान जारी है, उसको देखते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी निगाहें लगी हुई है। राउत ने इसके पहले 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बीजेपी नेता और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। उस पत्रकार परिषद में संजय राउत के निशाने पर किरीट सोमैया थे। पत्रकार परिषद के दौरान राउत ने किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया पर जोरदार हमला किया था। शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक के परिवार से भी मुलाकात की थी। महाविकास आघाड़ी सरकार ने मलिक का इस्तीफा न लेने की भूमिका लेने का फैसला किया था। हालांकि बीजेपी लगातार सरकार पर दबाव बना रही है कि नवाब मलिक का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लिया जाना चाहिए। संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शिवसेना नेता यशवंत जाधव के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी तकरीबन 4 दिनों तक शुरू थी। केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों के गलत इस्तेमाल का दावा करते हुए राउत ने कहा था कि उन्होंने इस संबंध में कई सबूत पीएमओ को दिए हैं। कई अधिकारी एक्सट्रॉशन रैकेट चला रहे हैं, कुछ और वसूली एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि संजय राउत इस विषय पर भी भड़ास निकालेंगे। आयकर विभाग ने फिलहाल शिवसेना नेता और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के करीबी राहुल कनाल के घर पर छापेमारी की है। कनाल युवा सेना के पदाधिकारी है और शिरडी मंदिर के ट्रस्टी भी है। फिलहाल छापेमारी वाली जगह पर सीआरपीएफ के जवानों का भारी बंदोबस्त तैनात किया गया है। इनकम टैक्स विभाग सुबह सुबह राहुल कनाल के घर पहुंची। कनाल के बांद्रा स्थित बाबा हॉस्पिटल के पास मौजूद अल्मेडा इमारत स्थित घर में देर रात तक छापेमारी चली। कार्रवाई के दौरान इमारत के नीचे केंद्रीय सुरक्षा बल का जबरदस्त बंदोबस्त तैनात रहा। इस दौरान राहुल घर पर रहे या नहीं, इसका पता नहीं चल पाया है। राहुल कनाल एक व्यापारी हैं, आदित्य ठाकरे के करीबियों में उनका शुमार होता है। वे शिवसेना के पदाधिकारी भी हैं। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने इनकम टैक्स विभाग द्वारा की गई इस छापेमारी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स विभाग हो या फिर दूसरी कोई जांच एजेंसी, बिना सबूतों के कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं करता है। कनाल के बारे में जरूर इनकम टैक्स विभाग को कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, जिसके आधार पर उन्होंने ये रेड की है। ऐसे में कनाल को इनकम टैक्स विभाग के साथ सहयोग करना चाहिए। वही शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में इस तरह के हमले पहले भी हुए हैं, अब भी हो रहे हैं। पहले भी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश में हुआ है, अब ये महाराष्ट्र में शुरू है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुंबई बैंक का अध्यक्ष रहते हुए दरेकर ने बीजेपी विधायक सुरेश धस को 27 करोड़ रुपए का कर्ज नियमों के विरुद्ध जा कर दिया था। इस मामले में अब राज्य सरकार ने कार्रवाई के संकेत दिए हैं। भनक मिलते ही प्रवीण दरेकर ने ठाकरे सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार कानून से नहीं बल्कि मनमाने ढंग से चल रही है। मुंबई बैंक मामले में कोई मुकदमा दर्ज न होने के बावजूद अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। ये कहा गया है कि भले ही ये आरोप अदालत में साबित न हो, फिर भी आप कार्रवाई करें। दरेकर ने कहा कि अनिल देशमुख और नवाब मलिक के जेल जाने के बाद ठाकरे सरकार सिर्फ ये तलाश रही है कि किस बीजेपी नेता को जेल भेजा जाए। मुझ पर जो आरोप लगाया गया है वो गलत है। मुंबई बैंक का अध्यक्ष रहते हुए मैंने नियम के बाहर जाकर सुरेश धस को लोन नहीं दिया। सब कुछ नियमतः हुआ है। जरूरत पड़ने पर मैं सभी दस्तावेज भी पेश करूंगा, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार का मुंबई बैंक पर विशेष प्रेम है, इस वजह से ये सब किया जा रहा है। बता दें कि एंटीलिया प्रकरण में हर दिन हो रहे नए नए खुलासे के समय से ही दरेकर काफी मुखरित रहे हैं। वे आघाड़ी सरकार की रडार पर आए और फिर तनातनी का दौर शुरू हो गया है, जो लगातार जारी है। हिंगोली जिले के बसमत तहसील के पिंपला चौरे ग्राम में एक व्यक्ति ने पत्नी की हत्या कर दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन पहले हुई इस घटना ने परिसर में हड़कंप मचा दिया है।
जानकारी के अनुसार पिंपला चौरे निवासी आरोपी श्रावण गंगाधर चौरे पत्नी पार्वतीबाई श्रावण चौरे और तीन बेटियों के साथ रहता था। आरोपी के माता पिता खेत में रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से आरोपी श्रावण और पार्वतीबाई के साथ विवाद हो रहा था। 7 मार्च की सुबह 6:30 बजे के दौरान दोनों फिर किसी बात को लेकर भिड़ गए। नाराज होकर पार्वतीबाई खेत में चली गई। पीछे पीछे श्रावण चौरे भी हाथ में हंसिया लेकर खेत में पहुंचा। वहां भी दोनों में तूतू मैं होने लगी। तैश में आकर श्रावण ने पार्वतीबाई के गले पर वार कर दिया। वो छिटक गई, इसलिए चोट अधिक नहीं आई। इसके बाद गुस्से में श्रावण इस कदर पागल हो गया कि वो पत्नी पर लगातार हंसिए से वार करता रहा। पार्वतीबाई के शोर सुनकर खेत में हरभरा काट रहे पार्वतीबाई के सास ससुर दौड़े, मगर उनके आने के पहले श्रावण ने पार्वतीबाई की हत्या कर दी थी। इसके बाद वह वहां से फरार हो गया। जानकारी मिलते ही बसमत ग्रामीण पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक विलास चौली, पुलिस उप निरीक्षक ज्ञानेश्वर शिंदे, जमादार राठौड़, साहेबराव चौहान के दोस्त ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक पार्वतीबाई के शव को पोस्टमार्टम के लिए बसमत के उपजिला सरकारी अस्पताल ले जाया गया। मामला दर्ज कर पुलिस जाँच कर रही है। बीएमसी में नगर सेवकों का कार्यकाल 7 मार्च को समाप्त हो गया। करीब 38 साल के बाद बीएमसी की कमान कमिश्नर के हाथ में आ जाएगी। विकास कार्यों के सभी निर्णय कमिश्नर लेंगे। नगर सेवकों की कोई भूमिका नहीं रह जाएगी। बीएमसी चुनाव समय से न हो पाने के कारण राज्य मंत्रिमंडल ने 9 फरवरी को बीएमसी में प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया था। बीएमसी की स्थायी समिति ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन मुंबई के विकास के लिए आधे घंटे में करीब 5,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पास किए। विपक्षी दल बीजेपी की आपत्ति को दरकिनार करते हुए स्थायी समिति अध्यक्ष यशवंत जाधव ने 365 प्रस्तावों में से करीब 300 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसके विरोध में बीजेपी ने बीएमसी कमिश्नर के कार्यकाल के बाहर धरना दिया और प्रदर्शन भी किया। जवाब में शिवसेना के नगर सेवकों ने स्थायी समिति अध्यक्ष के कार्यालय के बाहर नारेबाजी की और यशवंत जाधव के निर्णय का समर्थन किया। पास हुए प्रस्तावों में प्रमुख है नाहर हॉस्पिटल के विकास कार्यों के लिए 769 करोड़ रुपए, कांदीवली स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर शताब्दी हॉस्पिटल के लिए 509 करोड़, मलबार टेकड़ी जलाशय के विकास कार्य के लिए 698 करोड़, नायर हॉस्पिटल के लिए 348 करोड़ रुपए, इसी तरह पवई घाटकोपर जलाशय टनल के लिए 607 करोड़, फायर ब्रिगेड के आधुनिकीकरण के लिए 126 करोड़, सीवरेज लाइन के लिए 80 करोड़, दक्षिण मुंबई में छोटी सड़कों के विकास के लिए 23 करोड़, नाले बनाने के लिए 22 करोड़ रुपए, मानखुर्द में छोटी सड़कों के लिए 26 करोड़, कुरला में छोटी सड़कों के विकास के लिए 25 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम पर नजर टिकी है। संबंधित राज्यों के अलावा नई दिल्ली की भी तस्वीर को बदलने वाले इन परिणामों से नई राजनीतिक दिशा तय होगी। गोवा में सियासी हलचल तेज है। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को एकजुट रखना चाहती है, तो भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है कि यदि मतगणना में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई तो माहौल खराब हो जाएगा। वही एग्जिट पोल के नतीजे कहते हैं कि पंजाब में आप बड़ी पार्टी होगी, उसे 76 से 90 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है, जबकि सरकार बनाने के लिए केवल 59 सीटों की जरूरत होती है। इसी बीच अहमदाबाद में आरएसएस की एक बड़ी बैठक हो रही है। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों पर मंथन का दौर 13 मार्च तक चलेगा। उधर गुवाहाटी की एक अदालत ने असम पुलिस को असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। देश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। उत्तर प्रदेश समेत सभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब सभी की नजरें 10 मार्च पर है, जब नतीजों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन उससे पहले गोवा में सियासी हलचल देखने को मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के उम्मीदवारों को साथ रखने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री और कांग्रेस नेता सतेज पाटिल को सौंपी गई है। कांग्रेस को डर है कि कहीं कोई अन्य पार्टी उसके नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में न मिला ले। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को साथ रखने के लिए कोल्हापुर या राजस्थान में शिफ्ट किया जा सकता है। पिछले बार विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के कई विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी कांग्रेस गोवा में सरकार नहीं बना पाई थी। उसे 17 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 13 सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी ने एमजीपी गोवा फॉरवर्ड पार्टी और 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सत्ता हासिल कर ली थी। इसलिए हर बार हर कदम फूक फूक कर चल रही है। एग्जिट पोल्स में गोवा में त्रिशंकु विधानसभा नजर आ रही है। फिलहाल गोवा में बीजेपी बहुमत से दूर जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दोबारा सत्ता की कुर्सी पर बैठने के सपने को साकार होते देख रहे हैं। प्रमोद सावंत को भरोसा है कि प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। गौरतलब है कि इस चुनाव में कांग्रेस ने गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ गठबंधन किया था, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था।
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है कि यदि मतगणना में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई तो माहौल खराब हो जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के बाद तमाम एग्जिट पोल्स में भाजपा की दोबारा सरकार बनने की बात कही गई है। टिकैत ने अपने समर्थकों से मतगणना के एक दिन पहले संबंधित केंद्रों पर पहुंचने को कहा है ताकि पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जा सके। उन्होंने अनियमितता की आशंका जताई है। समाजवादी पार्टी ने भी काउंटिंग वाली जगहों पर जैमर लगवाने की मांग की है। पार्टी ने यह अपील चुनाव आयोग से की है। सपा की ओर से कहा गया है कि यूपी में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना में सुरक्षा और ईवीएम की हैकिंग को रोकने जैसे कारणों के लिए जैमर को लगाने की आवश्यकता है। सपा ने इससे पहले अपने सभी उम्मीदवारों से कहा था कि वे प्रदेश भर में जहां भी काउंटिंग होने वाली है वहां दो अधिवक्ताओं की तैनाती सुनिश्चित करवाए। इसके लिए सभी कैंडिडेट से दो वकीलों के नाम और मोबाइल नंबर मांगे गए थे। इसी बीच सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सवाल उठाते हुए कहा कि एग्जिट पोल्स के परिणामों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसे में एग्जिट पोल के परिणामों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। आम आदमी पार्टी इस बार 5 में से 4 राज्यों यानी पंजाब, यूपी, गोवा और उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है। एग्जिट पोल के नतीजे कहते हैं कि पंजाब में ये पार्टी सरकार बनाएगी। एक एग्जिट पोल में आपको 76 से 90 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है, जबकि सरकार बनाने के लिए केवल 59 सीटों की जरूरत है। अगर सभी राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजे को माने तो आप इन चुनाव के बाद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा जाएगी। अगर ऐसा होता है तो लोकसभा चुनाव 2024 में आप बीजेपी को सीधी चुनौती देने वाली पार्टी बन सकती है। साथ में वो संयुक्त विपक्ष में अहम भूमिका में आ जाएगी। खास बात यह है कि दिल्ली में पार्टी की सरकार होने के चलते उनके नेताओं के बयान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अगर ये ऐसा होता है तो ये अगले कुछ सालों में आप पूरे देश में एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता बताते हैं, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन देती है। कोई भी क्षेत्रीय पार्टी 4 अलग अलग तरीकों से राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। उन 4 तरीकों में से एक तरीका होता है 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेना। कहने का मतलब, अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेती है तो वह आसानी से राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। स्टेट पार्टी का दर्जा भी इलेक्शन कमीशन ही देती है। ये दर्जा पाने के लिए किसी भी पार्टी को 6 शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करना होता है। आम आदमी पार्टी इन सभी राज्यों में इन सभी शर्तों को पूरा करती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल्स के असलियत में बदलते ही आप राष्ट्रीय पार्टी बनने में काबिल हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अहमदाबाद में आरएसएस की एक बड़ी बैठक होने वाली है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा इस बैठक का आयोजन कर रही है। बता दें कि एबीपीएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे बड़ी निर्णायक संस्था है। ये बैठक 13 मार्च तक अहमदाबाद में होगी। बैठक में आरएसएस चीफ मोहन भागवत, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष शामिल होंगे। संतोष भाजपा में आरएसएस का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने कहा कि पहली बार अहमदाबाद में ये बैठक की जा रही है। पिछले साल इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। 1988 के बाद दूसरी बार मौका है जब गुजरात में ये बैठक हो रही थी। इससे पहले राजकोट में इसका आयोजन हुआ था। उन्होंने कहा कि ये बैठक हर 3 साल में एक बार नागपुर में होती है। आरएसएस ने एक बयान में कहा कि बड़े फैसले लेने के लिए आरएसएस ये बैठक करता है। इस मीटिंग में आने वाले वर्षों के लिए कई योजनाओं और फैसलों पर चर्चा होगी और अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक में आने वाले समय की योजना के साथ ही वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा आरएसएस के विस्तार पर भी चर्चा की जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि चुनाव के नतीजों की तारीख तय होने के बाद इस मीटिंग की तारीख तय की गई थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि परिणामों को देखते हुए कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। एक बड़े घटनाक्रम में गुवाहाटी की एक अदालत ने असम पुलिस को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश कांग्रेस सांसद अब्दुल खलीक की शिकायत के आधार पर दिया है। 28 दिसंबर 2021 को खलीक ने दीसपुर पुलिस स्टेशन में शर्मा के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन पर घृणा फैलाने और असम के दरांग जिले में भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज ही नहीं की थी। इस घटना के बाद पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई थी। जब सांसद की शिकायत पर पुलिस ने औपचारिक तौर पर प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया तो खलीक ने गुवाहाटी में उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास शिकायत की। इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ओसी तीसपुर थाने को शिकायत में उल्लेखित आरोपों पर मामला दर्ज करने और मामले की निष्पक्ष जांच करने और जल्द से जल्द अंतिम फॉर्म जमा करने का निर्देश दिया जाता है। प्राथमिकी दर्ज करने में विफल रहने के कारण पुलिस अपने कर्तव्य के निर्वहन में विफल रही है।
आरोपों की सत्यता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे प्राथमिकी दर्ज करने से पहले जांचा जा सके। प्राथमिकी दर्ज करने में विफल रहने से ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अपने कर्तव्य के निर्वहन में विफल रही है। इसलिए इस न्यायालय का विचार है कि ये सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत ये एक उपयुक्त मामला है। रूस और यूक्रेन के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत बेनतीजा निकली। इसी बीच जुबानी हमले भी जारी है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की क्यों छोड़कर बंकर में छिप गए हैं। पलटवार करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि मैं कहीं नहीं गया, क्यों मैं ही हूँ। पुष्टि के लिए उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। वहीं यूक्रेन की जंग में कई हथियारों को गंवा चुकी रूसी सेना ने अब हथियारों से लैस ट्रेन भेजी है, तो इस लड़ाई में यूक्रेनी सेना का साथ देने भारतीयों के अलावा कई और देशों के लोग भी मैदान में उतर आए हैं। उधर दुनिया भर के शेयर बाजारों में कोहराम मचा हुआ है। टॉप बिलियनियर्स की दौलत लगातार घट रही है, लेकिन बाजार की इस तेज गिरावट में भी दिग्गज इन्वेस्टर वॉरेन बफे मालामाल हो रहे हैं। दुनिया भर की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा निकली। युद्ध विराम को लेकर सहमति नहीं बनी। यूक्रेन के बातचीत दल के एक सदस्य पोडोलिक ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई भी नतीजा नहीं निकला है जिससे हालात में कुछ सुधार हो। वहीं रूसी बातचीत दल के प्रमुख मेडिस्की ने कहा कि यूक्रेन के साथ बातचीत के दौरान उनका प्रतिनिधिमंडल हमारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया है। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच युद्ध को रोकने के लिए दो दौर की बातचीत हुई थी। उस दौरान भी युद्ध विराम को लेकर कोई ठोस हल नहीं निकल सका था। दोनों देशों के बीच पिछले 13 दिनों से जंग छिड़ी है। न पुतिन की सेना पीछे हट रही है और न यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हार मानने को तैयार है। उधर यूक्रेन संकट पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल से बात हुई। तीनों नेताओं के बीच करीब 100 मिनट की बातचीत हुई। जानकारी के अनुसार नाटो की सेना यूक्रेन की सीमा पर कई देशों में मुकम्मल तैयारी के साथ डटे हुए है। कहा जाता है कि उन्हें हरी झंडी का इंतजार है। प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से भी बताया गया कि नाटो की सेना को देखकर लगता है कि वह निर्णायक इरादे के साथ यहां पहुंची है। जबकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन साफ कह चुके हैं कि इस युद्ध में अगर नाटो सैनिक उतरते हैं तो विध्वंसक तबाही मचेगी। रूस और यूक्रेन एक दूसरे के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, दोनों देश के नेता एक दूसरे पर जुबानी हमले भी कर रहे हैं। इन सब के बीच रूस ने दावा किया है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की क्यों छोड़कर बंकर में छिप गए हैं। लेकिन अब इस दावा का खंडन करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी कर दिया है। इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि वह किसी बंकर में नहीं छिपे हैं और तब तक क्यू में मौजूद रहेंगे जब तक देशभक्ति से भरे इस युद्ध को जीतने के लिए यह जरूरी होगा। जेलेंस्की ने कहा कि मैं मैदान छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ क्यू में बरकोवा गली में मौजूद हूँ। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। मैं अपने देशभक्ति से भरे युद्ध को जीतने तक यहाँ बना रहूँगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक और वीडियो जारी कर कहा कि भगवान माफ नहीं करेगा, आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं, और क्षमा के बजाय निर्णय होगा। हमलावर का दुस्साहस पश्चिम के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध पर्याप्त नहीं है। इस बीच यूक्रेन की ओर से बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेनी सेना के खुफिया विभाग का कहना है कि खार्किव में उसने रूसी जनरल को मार गिराया है। इसकी पहचान मेजर जनरल विटैली गिरासिमो के रूप में हुई है। अधिकारियों का कहना है कि इस मेजर जनरल ने रूस की ओर से क्रीमिया, चेचन और सीरिया की लड़ाई में भाग लिया था। हालांकि रूस की ओर से अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। यूक्रेन की जंग में कई हथियारों को गंवा चुकी रूसी सेना ने अब हथियारों से लैस ट्रेन भेजी है। खबरों के मुताबिक घातक हथियारों से लैस यह ट्रेन यूक्रेन की जंग में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रही है। सोशल मीडिया में आए वीडियो में नजर आ रहा है कि यह ट्रेन रूस के नियंत्रण वाले क्रीमिया के एक यार्ड से रवाना होकर यूक्रेन के मेलितोपोल शहर पहुंची है। यह वीडियो कब शूट किया गया है इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन उसके ऊपर जेड का निशान बना हुआ है जो उसके यूक्रेन की जंग में हिस्सा ले रहे प्रत्येक हथियार पर बना हुआ है। इस ट्रेन में 2 डीजल इंजन लगे हैं और उसमें अलग अलग तरह की 8 बोगियां हैं। ट्रेन के पीछे एक ZU-23 डबल बैरल ऑटोमेटिक तोप लगी है। इस तोप के जरिए हवा में कम ऊंचाई पर उड़ रहे एयरक्राफ्ट और जमीन पर मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाया जाता है। वीडियो से अभी यह नहीं पता चल पाया है कि इस ट्रेन में कौन कौन से हथियार लगाए गए हैं। फिर भी अनुमान है कि इस ट्रेन में कई तरह के हथियार लदे हुए हैं। इस ट्रेन के एक डिब्बे में किसी चीज को लपेट कर रखा गया था। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि रूस के पास ऐसी कितनी ट्रेन है जिन्हें सबसे पहले सोवियत जमाने में सेना में शामिल किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले कम से कम 4 ट्रेनों का रूस ने चेचेनिया और जॉर्जिया के युद्ध में इस्तेमाल किया था।
पर अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि रूस ने इस ट्रेन को जंग में क्यों इस्तेमाल किया है। आमतौर पर रूस में ट्रेनों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर सैनिकों, टैंक और अन्य वाहनों को इधर से उधर ले जाने के लिए किया जाता है। यूक्रेन में रूस और यूक्रेन के बीच जारी लड़ाई में यूक्रेनी सेना का साथ भारतीयों के अलावा कई और देशों के लोग भी दे रहे हैं। क्यू इंडिपेंडेंट ने यूक्रेनी सेना के हवाले से बताया है कि अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, लिथुआनिया, मेक्सिको और भारत के लोग लड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले का 21 साल का छात्र सैनिकेश रविचंद्रन रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेनी पैरामिलिट्रीज फोर्सेज में शामिल हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने उसके घर का दौरा किया और रविचंद्रन के माता पिता से बातचीत की तो पता चला कि उसने भारतीय सेना में शामिल होने के लिए आवेदन किया था लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद रविचंद्रन 2018 में पढ़ाई के लिए यूक्रेन के खार्किव शहर पहुंचा। उसका कोर्स 2022 में पूरा होना था। इसी बीच यूक्रेन में जारी जंग के बीच रविचंद्रन के परिवार का संपर्क उससे टूट गया था। परिवार वालों ने एम्बेसी की मदद ली जिसके बाद रविचंद्रन से संपर्क करने में सफल रहे। इसी दौरान रविचंद्रन ने परिवार वालों को बताया है कि वह रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेनी पैरामिलिट्री फोर्स में शामिल हो गया है। बता दें कि यूक्रेन ने विदेश के लोगों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सेना की स्थापना की है और राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सार्वजनिक रूप से विदेशियों से अपने देश के लिए समर्थन दिखाने के लिए रूसी युद्ध अपराधियों के खिलाफ यूक्रेनियन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की अपील की है। पिछले हफ्ते जेलेंस्की ने बताया था कि 16,000 से अधिक विदेशियों ने स्वेच्छा से हमारी लड़ाई में साथ आए हैं। दुनिया भर के शेयर बाजारों में कोहराम मचा हुआ है। टॉप बिलियनियर्स की दौलत लगातार घट रही है लेकिन बाजार की इस तेज गिरावट में भी दिग्गज इन्वेस्टर वॉरेन बफे मालामाल हो रहे हैं। वॉरेन बफे ने दुनिया के 5 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में वापसी की है। हाल के कुछ दिनों में टेक स्टॉक्स में तेज गिरावट आई है और इससे सिलिकॉन के वैली के दिग्गजों की दौलत तेजी से घटी है। इस साल वॉरेन बफे की दौलत 7.2% घटकर $116.7 बिलियन पहुंच गई है क्योंकि बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे के शेयरों में तेज उछाल आया है। वॉरेन बफे ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इसी अवधि के दौरान टेस्ला के एलन मस्क और अमेजन के जेफ बेजोस की नेटवर्थ में 15% या इससे ज्यादा की गिरावट आई है। साल में यह पहली बार है कि जब 91 साल के वॉरेन बफे दुनिया के 500 सबसे अमीरों की लिस्ट में इतने ऊपर रैंकिंग पर है। अक्टूबर में वह इस लिस्ट में 11वें नंबर पर पहुंच गए थे। हाल के हफ्तों में इन्वेस्टर्स ने टेक स्टॉक से दूरी बनाई रखी है। नेस्डेक कंपोजिट इंडेक्स सोमवार को 3.6% की गिरावट के साथ करीब एक साल में अपने निचले स्तर पर पहुंच गया। पिछले 17 महीने में यूएस स्टॉक्स में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। बर्कशायर हैथवे ने खुलासा किया है कि उसने ह्यूस्टन बेस्ड ऑयल एंड गैस कंपनी ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम कारपोरेशन के करीब 30 मिलियन एडिशनल शेयर खरीदे हैं। इस डील की वैल्यू करीब $1.6 बिलियन है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार।